नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। वैसे तो कोरोना पूरे विश्व के लिए खौफ और तबाही का मंजर लेकर आया था, लेकिन इस कोरोना काल में कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने सपने पूरे कर लिए। जी हां, आज हमारे एक संवाददाता ने राजस्थान से एक ऐसी खबर भेजी है जो सुनकर और देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल एक खबर वैसी है जो कुछ दिन पहले दशरथ मांझी जैसे लोग जिन्होंने जो ठान लिया वो करके छोड़ा, उसकी उस तस्वीर की, उस घटना की या उस कहानी की याद दिलाती है। दरअसल एक खबर राजस्थान के अलवर जिले की है, जहां एक 85 साल का वृद्ध 10वीं की परीक्षा पास की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1, 2, 3, 4 बार में नहीं बल्कि पूरे 48 बार में इस बार उन्होंने पास किया है, और वो भी पास इसलिए किया कि राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के चलते 10वीं का पेपर लेने से मना कर दिया था, और जितने भी स्टूडेंट 10वीं 10th बोर्ड में अपियर होने वाले थे सबको पास घोषित कर दिया। ऐसे में 85 साल के शिवचरण की भी लॉटरी लग गई और वो इस बार पास हो गए। ये सिलसिला शुरू होता है अलवर के राजस्थान के रहने वाले शिवचरण की 1968 से। 1968 में वो पहली बार उन्होंने पेपर दिया था 10वीं के बोर्ड का, और उस बार वो गणित और साइंस में फेल कर गए थे, जिसके बाद वो गैप करके हमेशा वो बैठते रहे, और उन्होंने ठान लिया था कि जब तक वो पास नहीं होंगे तब तक वो शादी नहीं करेंगे। परिवार के एक एक लोग उनका साथ छोड़ते चले गए और वो अकेले रह गए। हालात तो यह हुआ कि वो खुद एक झोपड़ी में रहने लगे और मंदिर से प्रसाद जो मिलता था उससे गुजारा करते थे। उनकी दशा को देख सरकार ने उन्हें वृद्धा पेंशन देना शुरू कर दिया, और फिर उनकी जो जीवन यात्रा थी वो वृद्धा पेंशन पर निर्भर हो गई। उस पर वृद्धा पेंशन और मंदिर के प्रसाद पर वो गुजारा करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 85 साल है, नाम शिवचरण है, और इस बार राजस्थान सरकार ने खुद ट्वीट भी किया है। ट्वीट आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस बार 10वीं की परीक्षा जो इनकी मनोकामना थी वो इन्होंने पूरी कर ली है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि एग्जाम में जो पिछले कई एग्जामों में जो बैठे तो इनके कुछ फोटोज भी लिए गए, इनकी कुछ तस्वीरें थी जो आपके सामने दिख रही है, आपकी स्क्रीन पर दिख सकती है। ये इस बार हालांकि 1995 में भी एक परीक्षा पास करने वाले थे, लेकिन उस बार इन्होंने गणित में ये फेल कर गए थे। कई बार ऐसा वाक्य रहा जब ये गणित में फेल करते थे या फिर साइंस में, या जब ये दोनों विषय में पास कर जाते थे तो फिर हिंदी और अंग्रेजी इनके साथ धोखाधड़ी कर जाती थी और उसमें वो फेल कर जाते थे। 1995 में तो बकायदा इन्होंने ट्यूशन भी लिया था, लेकिन ट्यूशन के बावजूद भी ये पास नहीं कर पाए और ये उस वक्त फेल कर गए थे। हालांकि इस बार ये पास हुए हैं और राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इनको बधाई दी है और एक बाकायदा इनको लेटर भी जारी किया है कि जिस तरह से कैसे इन्होंने संघर्ष किया और सब कुछ अपना दांव पर लगाते हुए 85 की उम्र में इस बार इन्होंने परीक्षा पास की है। हम भी इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं, और साथ ही इस खबर से यह सीख लेने की भी जरूरत है कि दिल में जज्बा होना चाहिए, अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी संभव है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।